बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने पाकिस्तान की सारी पोल खोल कर रख दी। पीएम ने कहा कि आज के भारत की तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता है, आज का भारत घर में घुसकर मारता है और यही वजह है कि भारत को आंखें दिखाने वाले आज आटे के लिए तरस रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। नहीं लिया नाम, पाक का काम तमाम। जो दिखाते थे आंख, आज नहीं मिल रहा आटा। भारत से जो लेगा पंगा, हमेशा रहेगा उसे घाटा। बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम लिए बिना पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा जो लोग हिंदुस्तान को आंख दिखाते थे वो आज आटे आटे के लिए भटक रहे हैं। भाइयों बहनों, मोदी ने 3 तलाक को खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? 3 तलाक जैसी महिला विरोधी कुप्रथा खत्म हो गई। मोदी ने भारत को आंख दिखाने वालों को सबक सिखाने की गारंटी दी थी। नतीजा, जो भारत को आंख दिखाते थे अब वो आटे के लिए भटक रहे हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, विपक्ष मोदी की गारंटी से डरने लगा है, विपक्ष मोदी की गारंटी से घबराने लगा है। पीएम मोदी ने कहा, मोदी जो गारंटी देता है उसे पूरी करके दिखाता है। पीएम मोदी ने गारंटी का जिक्र कर कहा कि मोदी की गारंटियां इंडी गठबंधन को पसंद नहीं आ रही। इंडी गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता ने कहा, मोदी जो आपको गारंटी देता है उस पर बैन लगना चाहिए। मोदी की ये गारंटियां कांग्रेस, आरजेडी वाले, इंडी गठबंधन वालों को परेशान कर रही है, उनको पसंद नहीं आ रही है। इंडी गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि मोदी जी, आपको जो गारंटी देता है उस पर बैन लगना चाहिए। अरे इतने डर गए हो क्या? अरे मोदी की गारंटी से घबरा रहे हो क्या? पीएम मोदी ने अपनी गारंटी याद दिलाई, कहा मोदी ने राम मंदिर की गारंटी दी थी, पूरी हुई। मोदी ने 370 हटाने की गारंटी दी थी, पूरी की। पीएम मोदी ने कहा कि आपके वोट की ताकत से हमने 3 तलाक खत्म कर दिया। मोदी ने कश्मीर में 370 खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? 370 गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? ये बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की बातें करते हैं, लेकिन ये इंडी गठबंधन वाले जवाब दें, इतने साल आपने राज किया, संविधान के नाम में गीत गाते रहते हो, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू नहीं होने दिया था। ये मोदी है जो बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर की धरती पर भी ले गया, इतने सालों के बाद ले गया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया। नवादा में पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना।
इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। पीएम ने कहा कांग्रेस के मन में इतना जहर भरा है कि उनके पार्टी के कुछ लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आ गए तो उनको पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। और ये देखिए, चलो भाई, देशवासियों ने चंदा दिया, 1 रुपया, 5 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया देशवासियों के पैसे से राम मंदिर बना है, सरकारी तिजोरी से राम मंदिर नहीं बना है, देशवासियों ने बनाया है। इनकी क्या दुश्मनी है इस देश के लोगों से, इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से, उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया, क्या ये शोभा देता है क्या? पीएम ने कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया, आरोप लगाया, कहा इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, इंडी गठबंधन वाले भारत की एक और विभाजन की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना, इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। आप इनके बयान देख लीजिए, इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं, इंडी गठबंधन वाले भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। इससे पहले जमुई की रैली में पीएम मोदी पाकिस्तान पर हमलावर दिखे। पीएम ने कहा कांग्रेस के राज में भारत को कमजोर और गरीब देश माना जाता था, छोटे छोटे देश जो आज आटे के लिए तरस रहे हैं वो हम पर आतंकी हमला करके चले जाते थे। तब की कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी, लेकिन मोदी ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। कांग्रेस के राज में भारत को कमजोर और गरीब देश माना जाता था, छोटे छोटे देश आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे। और तब की कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। मोदी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है, भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। लोकसभा का चुनाव दिन ब दिन अपने रंग में रंगता जा रहा है, हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन ये वक्त बताएगा कि सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।